गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो वी आर डूइंग चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज. वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज. वी हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. इट मींस वी विल डिवाइड द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक बेसिस. सो दीज आर द फोर कैटेगरी. फर्स्ट इज साइज, सेकेंड इज इनपुट और रॉ मटेरियल, थर्ड इज आउटपुट और प्रोडक्ट, एंड फोर्थ इज ओनरशिप. सो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद साइज. साइज यू नो वेरी वेल. साइज का मतलब है कि इसका आकार कितना, कितनी बड़ी है. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. फर्स्ट इज कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री, सेकंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री. फर्स्ट इज गिवन कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री. दीज आर दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर एट द होम. पीपल दे आर डूइंग वर्क एट द होम. जैसे पोटर जो कुम्हार घड़े बनाते हैं घर के अंदर. तो दे आर टाइप ऑफ कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री. यानी जो घर के अंदर ही अपने घर के जो फैमिली मेम्बर्स है दे ऑल डू वर्क एंड दे विल मेक द सम प्रोडक्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री. इट मीन्स इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मशीनरी का या ज़्यादा अमाउंट में लेबर का यूज नहीं होता. दीज पीपल दोज हू आर एट द होम दे आर डूइंग वर्क. सेकेंड इज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसके अंदर थोड़ा सा लेबर जो है उसका बाहर से भी यूज करता है, बट द प्रोडक्शन इज नॉट एट लार्ज स्केल. इसके अंदर प्रोडक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, स्मॉल स्केल के अंदर होगा. जैसे कोई आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है घर से बाहर, कोई छोटा स्मॉल एरिया लेके कोई शॉप वगैरह है उसको बनाकर उसके अंदर कुछ अगर सेटअप कर लिया तो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लास्ट इज योर लार्ज स्केल. इन दिस यू नो वेरी वेल ऑल थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन. लार्ज मशीन आर सेटअप एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो एट लार्ज स्केल. इसके अंदर भी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल होता है. अब इसमें डिफरेंस क्या है, बड़े डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. द इंडस्ट्री विच आर सेटअप बिलो द 1 करोड़ रुपीज, यानी जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है जिसपे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है 1 करोड़ से कम है, दे आर नोन एज स्मॉल स्केल. और 1 करोड़ से ऊपर दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. सेकेंड इज योर इनपुट और रॉ मटेरियल. इनपुट का मतलब क्या होता है, वी विल पुट समथिंग इन आर मशीन और एनीथिंग. रॉ मटेरियल मेनली डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल. दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल. यानी उनका मेन बेस क्या है, रॉ मटेरियल है. इनको रॉ मटेरियल जहाँ पर मिलेगा दीज इंडस्ट्रीज विल सेटअप इन दैट एरिया. फर्स्ट इज योर एग्रोबेस्ड. एग्रोबेस्ड मीन्स जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है, शुगर इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, दे आर एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री. सो दीज आर सेटअप इन द एरिया वेयर दीज प्रोडक्शन इज डन. जहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है उसी एरिया के अंदर आपको क्या है, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज मिलेगी. जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, जिस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है तो इस एरिया के अंदर आपको क्या मिलेगी, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज ज़्यादा मिलेगी. सेकेंड इज योर मिनरल बेस्ड. दीज आर बेस्ड ऑन द मिनरल्स. जैसे आपका आयरन ओर है, कॉपर है, बॉक्साइट है, दे आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. दीज आर टू टाइप, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. यानी जो मेटल्स हैं वो अलग इंडस्ट्रीज है, नॉन मेटल्स हैं उनकी अलग इंडस्ट्रीज है. तो दीज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दे आर डिपेंड ऑन मिनरल्स. नेक्स्ट इज योर केमिकल. दे आर बेस्ड ऑन द केमिकल. जैसे आपके फॉस्फोरस है, सॉल्ट है, अदर थिंग्स, दे आर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज. वो केमिकल के ऊपर डिपेंड करती है, वो केमिकल्स का यूज करके इंडस्ट्री चलाती है. जैसे पेंट बनाना होता है या और चीज़ें होती है, दे आर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट बेस्ड. सम इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट. यानी फॉरेस्ट के अंदर से जैसे लकड़ी है, टिम्बर है, उसका फर्नीचर के यूज हो गया, या कोई और उसके अंदर जो चीज़ें हैं जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल जो होती है, कुछ भी होता है, तो वो फॉरेस्ट एरिया के फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, दे आर नॉट एट फॉरेस्ट बेस्ड. नेक्स्ट इज योर एनिमल बेस्ड. एनिमल बेस्ड कौन सी होती है, तो एनिमल पे डिपेंड करती है. एनिमल से सारा कुछ जो डेयरी प्रोडक्ट है, सारा सारा लेदर है, ये सारी सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है. तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल इंडस्ट्रीज, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो दे आर मेनली बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल. इनको इन इंडस्ट्रीज को लगाने का मेन मकसद वहाँ पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल उनको आसानी से वहाँ पे मिल जाए. दैट्स व्हाई दे आर सेट अप इन दोज एरियाज. नेक्स्ट इज योर आउटपुट और प्रोडक्ट. आउटपुट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर डूइंग एन इनपुट इन द इंडस्ट्री. यानी इंडस्ट्रीज में इनपुट करने के बाद में जो आउटपुट होता है उसके बेस पे हमारे पास दो इंडस्ट्रीज है, बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्रीज आर दो इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. यानी जो बेसिक इंडस्ट्रीज होगी वो क्या करेगी, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगी. इट मीन्स द प्रोडक्शन विच विल बी डन इन द बेसिक इंडस्ट्रीज दैट विल बी द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, स्टील का प्रोडक्शन करती है. स्टील का डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग स्टील डायरेक्टली. हम क्या करते हैं, उसको स्टील को दूसरी इंडस्ट्री में भेजते हैं, वहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है दैट वी आर यूजिंग. इट मीन्स द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री इज द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री. इट मीन्स इट इज द बेस फॉर अदर इंडस्ट्रीज. एग्जाम्पल इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. आयरन एंड स्टील विच इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्टली,
वो क्या करते हैं, वो दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम यूज करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज गिवन कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज मीन द प्रोडक्शन विच इज डन इन द इंडस्ट्रीज दैट विल बी डायरेक्टली यूज बाय द पीपल। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होगा, जो फिनिश गुड बनेगी, वो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके अंदर हमारे को दूसरी इंडस्ट्री में उसके लिए नहीं यूज किया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, शुगर बनेगा वो दैट विल बी यूज बाय अस डायरेक्टली, उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। यानी जो कंज्यूमर डायरेक्टली, जिस जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर जो प्रोडक्शन होता है दैट विल बी यूज बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। सो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसके अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। इट मीन्स द प्रोडक्शन विच विल बी डन इन द बेसिक इंडस्ट्री दैट कैन नॉट बी यूज बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली। But in consumer industries, the production which will be done by the industry, that will be directly used by the consumer. So this is the difference between basic and consumer industries. Next is given ownership. Ownership के बेस पे मालिक जो होते हैं उसके बेस पे there are three types of industries. First is given public sector industries. It means they are totally depend on the government. Government के आधार पे government उनको चलाती है। जैसे आपका Steel Authority of India Limited है, that will be totally controlled by the पब्लिक सेक्टर। वो किस में आती है, पब्लिक सेक्टर में आती है, सरकार उसके अंडर में, सरकार के अंडर में सारा कुछ। देन नेक्स्ट इज योर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। दो आर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो एक व्यक्ति चलाता है या एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं वो चलाते हैं। जैसे रिलायंस है, दे आर पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज गिवन ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, पीपल एंड गवर्नमेंट बोथ विल मिक्सअप एंड दे विल मेक इंडस्ट्री। जैसे आपकी जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम होता है, उसमें आपने देखा ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो है, ऑयल इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, OIL फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज इन ज्वाइंट सेक्टर, वो ज्वाइंट सेक्टर के अंदर आती है क्योंकि इसके अंदर दोनों की पार्टनरशिप है। यू हर्ड अबाउट द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, उसके बारे में आप सुनते हो, वो इंडस्ट्री जो कंपनीज हैं जैसे इंडियन ऑयल है या जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, वो सारी सारी क्या कर रही है, प्राइसेस फिक्स कर दी है सरकार। उसके अंदर सिर्फ क्या है, एक शेयर है सरकार का, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। यानी जिसके अंदर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्सन और आपका क्या होता है, सरकार भी शामिल होती है, तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज गिवन ए वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, एक बॉक्स में दिया हुआ है, फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, इंडस्ट्रीज विच आर सेटअप एट द एट एनी प्लेस। यानी ये इंडस्ट्रीज कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेटअप नहीं की जाती। जैसे हमने इन इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, दे आर सेटअप इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस, एक प्लेस पे स्थापित होगी। क्यों, क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम दोज इंडस्ट्रीज। बट दीज इंडस्ट्रीज आर नॉट सेटअप एट एनी, दीज आर सेटअप एट एनी प्लेस। वाई, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, रॉ मटेरियल उनको एक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यू विल नो अबाउट द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का क्या होता है, जैसे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अलग बनते हैं एंड इट इज असेंबल्ड इन ए वन इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्री कहीं पर भी लग सकती है। वो जो आपके मोबाइल कितने भी पार्ट्स होंगे उनको कहा है वहाँ पे ले जाकर क्या करना है, असेंबल करना है, उनको इकट्ठा करना है, दैट विल बी दैट कैन बी डन एट एनी प्लेस, तो वो रॉ मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या है, गूगल इंडस्ट्री हो जाएगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जितनी भी है, मोबाइल फोन जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर सेटअप एट एनी प्लेस, दे हैड नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, सो दे कैन बी सेटअप इन एट एनी प्लेस। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फुटलूज इंडस्ट्रीज। सो दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, सो यू विल रीड दीज थिंग्स फ्रॉम योर बुक एंड मेक योर नोट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।